गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने विन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था, जो आवर्ति का क्या करता है, मापन करता है। उससे पहले हमने ताप मापक युक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने देखा था आरटीडी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल। इस क्लास में हम पावर का मापन करेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ पावर। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पावर क्या होती है। तो देखिए, पावर कार्य करने की दर, ठीक है, क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। शॉर्ट में आप इसे क्या लिख सकते हो, W अपॉन में T, ठीक है। अब देखिए यहां पर कार्य क्या होगा। सबसे पहले मैंने जहां पर विभव बताया था, तो वहां पर बताया था कि कोई भी बिंदु है, इसका आवेश क्या है, V है। इससे अनंत दूरी पर कोई धन आवेश रखा गया है, Q। तो इस धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए विद्युतीय शक्तियों के विपरीत जो कार्य करना पड़ता है या जो बल लगाना पड़ता है, वो ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहां से आपका W इक्वल टू क्या हो जाता है, V इंटू Q हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, W को पावर, पावर इक्वल टू, W इक्वल टू क्या गया, V इंटू क्यों डिवाइड बाय क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो पावर इक्वल टू वी इंटू क्यू बटे क्या हो गया है, टी हो चुका है। अब आपको पता है कि आवेश बटे समय क्या होता है, धारा होता है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। तो यहां से आपका नया फॉर्मूला आ जाता है, पावर बराबर V इंटू आई हो जाता है, ठीक है। तो यहां से यदि आप इनकी यूनिट लिखना चाहोगे, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाती है, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और यहां पर क्या होगी, वोल्ट इंटू कूलम प्रति सेकेंड। और यहां पर क्या हो गई है आपकी, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, या इसे आप क्या लिख सकते हो, वॉट, क्या लिख सकते हो, वॉट लिख सकते, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो चुके हैं, पावर के फॉर्मूले हो चुके हैं। अब देखिए पावर को हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पावर, पावर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है आपका डीसी पावर, ठीक है, और दूसरा है आपका एसी पावर, ठीक है। तो जो आपकी डीसी पावर होगी, पी इक्वल टू क्या होगी, वी आई होगी, जबकि एसी पावर होगी उसे एस इक्वल टू पी प्लस माइनस जे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे रियल पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक है। यदि प्लस आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका लोड प्रेरक प्रकार का होगा, जो रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और यदि क्या आता है, माइनस आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका लोड कैपेसिटिव होगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर उसे सप्लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर S इक्वल टू आप लिख सकते हो वी आई स्टार। इसका मतलब ये क्या होगा कि यदि इंडक्टिव लोड होगा तो आपका करंट वोल्टेज से पीछे होगा, और यदि आपका
करंट आगे होता है, इसका मतलब क्या होगा कि लोड कैपेसिटी होगा। अब देखिए एसी पावर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंगल फेज और थ्री फेज में, ठीक है। तो यहां पर एसी पावर, ठीक है, इसे मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सिंगल फेज एसी पावर और थ्री फेज एसी पावर, ठीक है। तो अब सिंगल फेज को भी हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक तो होगी आपकी रियल पावर, क्या होगी रियल पावर, और दूसरी होगी आपकी रिएक्टिव पावर, ठीक है। रियल पावर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक शक्ति, हिंदी में लिखना चाहो तो वास्तविक शक्ति, और रिएक्टिव को प्रतिघाती, प्रतिघाती शक्ति, ठीक है। अब देखिए सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज में केवल आपका एक ही तो क्या होगा फेज होगा, और एक ही क्या होगा न्यूट्रल होगा, क्या होगा एक ही फेज होगा और एक ही क्या होगा न्यूट्रल होगा, इसलिए आपको वहां पर फेज वोल्टेज दी जा सकती है या लाइन वोल्टेज। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सिंगल फेज में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, फेज करंट भी आपका लाइन करंट के क्या होता है बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रियल पावर होती है, वास्तविक शक्ति होती है, उसे हम P से प्रदर्शित करेंगे, जबकि प्रतिघाती होगी उसे हम Q से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहां पर यदि आपको फेज वोल्टेज दी जाती है तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे, V फेज I फेज cos थीटा, जबकि यहां पर रिएक्टिव होगी तो V फेज I फेज sin थीटा होगा। अब क्या है कि आपको यदि पता होता है कि सिंगल फेज में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर, फेज करंट लाइन करंट के बराबर है, तो आप कभी भी यहां पर क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहां पर आप डायरेक्टली यदि आपको फेज वोल्टेज दे या लाइन वोल्टेज, तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हो, P बराबर V लाइन I लाइन cos थीटा। और इसी प्रकार आप रिएक्टिव पावर Q को क्या लिख सकते हो, V लाइन I लाइन sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर है उनका पावर फैक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो पावर फैक्टर निकालना होता है तो यहां से क्या करोगे, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय VL I L होगा, ठीक है। तो यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कि पावर फैक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो आपकी वास्तविक शक्ति है उसमें लाइन करंट और जो आपका लाइन वोल्टेज है उससे क्या करोगे, भाग दोगे। तो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है, उनका पावर फैक्टर हम गणनाओं में लगभग कितना लेते हैं, पॉइंट एट लेते हैं, कितना लेते हैं, पॉइंट एट लेते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रियल पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, और एपरेंट पावर क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पे रियल पावर, रियल पावर यानी वास्तविक शक्ति, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति किसे कहेंगे, वह शक्ति जो कोई भी सक्रिय कार्य करने में
सहायक होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक शक्ति कहलाती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले स्विच ऑन करते ही आपके फैन तक चुंबकीय पाथ बनाने का कार्य होता है रिएक्टिव पावर का, प्रतिघाती का, जो उसे माध्यम प्रदान कराता है। लेकिन इसको घुमाने का या इस पर टॉर्क लगाने का कार्य किसका होता है, रियल पावर का होता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि वह शक्ति जो सक्रिय कार्य करने में क्या होती है, सहायक होती है, वो क्या कहलाती है, रियल पावर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वह शक्ति जो जो सक्रिय कार्य करने में सहायक होती है, रियल पावर कहलाती है, रियल पावर कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रियल पावर को आप इससे प्रदर्शित करोगे, हमेशा ध्यान में रखना है, प्रदर्शित हमेशा करोगे पी से, इससे पी से, तो पी इक्वल टू क्या आता है आपका, वी इंटू आई कोस थीटा। ठीक है, जैसे आपकी ये क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, यदि आपका करंट वोल्टेज से आगे होता है यानी लीड करता है करंट, तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। और यदि ये क्या करता है, लैग करता है, तो यहां पर आपका कोण क्या रहेगा, थीटा। ठीक, और यदि इस कंडीशन में होता है करंट यहां पर आए, ठीक है, तो ये जो कोण है ये किसके मध्य है, करंट और वोल्टेज के मध्य। अब बहुत बार पूछा जाता है कि पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि धारा और आपका जो वोल्टेज है उसके मध्य क्या जो अंतर होता है वो ही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये परिभाषा इसकी गलत है। रियल में पावर फैक्टर क्या होता है कि जो टोटल आपका लोड है उसमें रेजिस्टिव लोड कितना है, वो ही क्या कहलाता है आपका, पावर फैक्टर। या आप कह सकते हो कि जो टोटल लोड में जो पावर खपत होती है उसमें रेजिस्टिव लोड के द्वारा जो पावर खपत होगी वो ही किसको प्रदर्शित करेगा, पावर फैक्टर को। अब देखिए, यदि आपका करंट 90 डिग्री आगे होता है या 90 डिग्री पीछे होता है तो कोस में 90 डिग्री क्या होता है, शून्य होता है, यानी पावर खपत क्या होती है, जीरो होती है। आपको पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर खपत क्या होती है, शून्य होती है, जबकि रेजिस्टेंस में क्या होती है, पावर खपत होती है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। तो यहां पर रियल पावर है वो क्या होगी, वी आई कोस थीटा, और इसे आप हमेशा किस में प्रदर्शित करोगे, वाट में। ठीक है, और यदि हाई हो पावर तो आप किलो वाट में भी ले सकते हो और किस में ले सकते हो, मेगा वाट में भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यों, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रिएक्टिव पावर है ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता, ना ही क्या किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। ये इसे क्या किया जा सकता है, केवल एक माध्यम से या एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। जैसे मैंने फैन का एग्जांपल दिया, यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले एक्टिव पावर नहीं पहुँचती है, वहाँ पर क्या पहुँचती है, रिएक्टिव पावर पहुँचती है, यानी रिएक्टिव पावर उसे हमेशा चुंबकीय पाथ प्रदान कराती है। इसी प्रकार यदि मैं ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लेता हूं, ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, इसे संयोजित किया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां से V वोल्टेज लगाते हो तो इसके कारण धारा I प्रवाहित होती है, यहां पर फेरों की संख्या N
और करंट आई के कारण चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है और कोर में क्या आता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्स। अब आपको जब मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था उस समय बताया था कि जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड की अवस्था पर होता है तो इसका जो नो लोड करंट होगा वो रेटेड का कितना होता है, 2 से 6% होता है। तो वो 2 से 6% करंट कहां खपत हुआ या खर्च हुआ, तो आपको पता है कि वो कोर को क्या करता है, चुंबकित करता है। कोर को क्या करता है, चुंबकित करता है। कहने का मतलब यहां पर जो रिएक्टिव पावर होगी वो हमेशा पाथ या माध्यम प्रदान कराती है, किसको, एक्टिव पावर को। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रिएक्टिव पावर को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खपत किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान में रखना है कि ये यदि कोई भी मोटर है तो रोटर और स्टेटर के मध्य चुंबकीय माध्यम प्रदान कराता है, इसको, एक्टिव पावर को। अब कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीसी मशीन्स होती है या डीसी में रिएक्टिव पावर की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ पर जो सप्लाई होती है वो खुद में ही एक्टिव होती है, खुद में ही क्या होती है, रिएक्टिव होती है। इसलिए वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के बाह्य कंडेंसर या कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर है उसे क्यू से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा, क्यू इक्वल टू वी इंटू आई साइन थीटा। तो ध्यान में रखना है कि कोस थीटा आता है तो ये हमेशा पावर फैक्टर को प्रदर्शित करेगा, यानी एक्टिव पावर को प्रदर्शित करेगा, जबकि साइन थीटा आता है ये हमेशा क्या इसको प्रदर्शित करेगा, रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम हमेशा किस में लेंगे, VAR में, या रेंज अधिक हो तो किस में लोगे, KVAR में, और यदि अधिक हो तो MVAR में लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो पावर आती है वो होती है आपकी एपरेंट पावर। कौन सी, एपरेंट पावर। तो थर्ड है आपकी एपरेंट पावर, यानी आभासी। ठीक है, तो एपरेंट पावर होगी वो क्या होगी, इन दोनों का योग होगी। तो S इक्वल टू आप क्या लिखोगे, P प्लस माइनस जे क्यू। ठीक है, यदि इसे ग्राफिकली प्रदर्शित करते हैं हम तो देखिए ये यहां पर P है आपकी, ये Q है और ये क्या है आपकी S। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने की भुजा, तो ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, करण होगी। और यहां पर ये जो थीटा डिग्री एंगल है इसके सामने की भुजा होगी आपकी लंब, और ये क्या होगी, आधार होगी। तो आप सभी जानते हैं कि करण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो करण की वैल्यू रखिए, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो एस इक्वल टू क्या होगा आपका, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप इनको इस प्रकार भी ले सकते हो कि जैसे वी ए आर हो गया, ये आपका वोट में हो गया, तो ये आपका होगा वी इंटू ए में, और किलो में लेना चाहते हो तो किलो में लगा दीजिए इसे, के वी ए आर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पी क्यू में वैल्यू न देकर के आपको किलो वाट के वी ए आर के वी ए में भी दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपको यदि पावर फैक्टर निकालना होता है तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहां से देखिए
कोस थीटा हमेशा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे करण होता है। ठीक है, तो आपका आधार क्या है यहां पर P और करण क्या है S, और यदि आपको रेटिंग दी गई हो तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, किलो वाट डिवाइड बाय केवीए। ठीक है, तो यहां से यदि आपको वास्तविक शक्ति निकालनी होती है तो इधर गुणा करा दीजिए, तो किलो वाट इक्वल टू क्या होगा, केवीए इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सिंगल फेज एसी पावर के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब देखते हैं कि थ्री फेज एसी पावर के फॉर्मूले किस प्रकार से ड्राइव होते हैं, उसके बाद हम इसके पावर फैक्टर की भी क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका थ्री फेज एसी पावर, थ्री फेज एसी पावर। ठीक है, तो थ्री फेज एसी पावर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपका होगा रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब देखिए कि थ्री फेज एसी पावर है तो इसमें फेज कितने होंगे, तीन फेज होंगे, कितने, तीन, वन टू थ्री एंड फोर। फोर कैसे लिए कि तीन तो फेज होंगे, एक क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा, तो फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और क्या होगा न्यूट्रल। अब देखिए फेज वोल्टेज किसे कहते हैं और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, यदि एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य की यदि वोल्टेज होती है तो वो क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। यदि दो फेजों के मध्य की वोल्टेज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि कहीं पर तो क्वेश्चन में आपको 230 वोल्ट दिया जाएगा, कहीं पर आपको 400 वोल्ट दिया जाएगा, तो जहां पर 230 है तो वो क्या है, फेज वोल्टेज है, यानी कहने का मतलब एक फेज और एक आपको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। जबकि 400 वोल्ट दिया जाता है तो वहां पर आपका क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, यानी कहने का मतलब दो फेजों के मध्य की वोल्टेज क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज कहलाती है। तो यहां पे बात करें यदि हम किसकी, रियल पावर की और रिएक्टिव पावर की। ठीक है, तो रियल पावर पी एक फेज की कितनी होती है, वी फेज आई फेज कोस थीटा। एक फेज की वोल्टेज क्या होती है, वी फेज आई फेज कोस थीटा। अब आपके पास कितने फेज है, तीन फेज है, तो आप यहां पे गुणा किससे करा दीजिए, तीन से। ठीक है, इसी प्रकार रिएक्टिव पावर की बात करें तो Q बराबर एक फेज की रिएक्टिव पावर क्या होती है, V फेज I फेज साइन थीटा। तो आपके पास यहां पे कितने हैं, तीन फेज हैं, तो यहां पे थ्री से गुणा करा दीजिए। तो हमेशा ध्यान में रखना है यदि आपको फेज वोल्टेज और फेज करंट दिया जाता है तो थ्री फेज में ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब क्या होता है कि कभी कभार आपको लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे दिया जाता है, उस समय फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि हम यहां पर स्टार की बात करो या डेल्टा की बात करो तो दोनों के केस में सेम रहेगा। जैसे मैंने यहां पर स्टार लिया, कौन सा लिया, स्टार, तो स्टार में हमेशा क्या होता है, आपका जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट के क्या होता है, बराबर होता है, और
आपकी जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज वो रूट तीन गुना होती है फेज वोल्टेज के, इसके फेज वोल्टेज के। तो यहां से यदि हम फेज वोल्टेज निकालें तो क्या होगा, VL बाय रूट थ्री, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला है, यहां पे आपको फेज वोल्टेज दिया गया है, इसे आप लाइन में चेंज करना चाहते हो तो यहां पे देखिए फेज करंट है वो लाइन करंट के क्या है, बराबर है, इसलिए मैं यहां पर क्या रखूंगा, IL रखूंगा, जबकि V फेज है आपका उसके बराबर क्या है, VL बटे रूट थ्री है। तो वैल्यू रख दीजिए, तो P बराबर क्या होगा, 3 इंटू VL बाय रूट थ्री इंटू IL cos थीटा। अब देखिए इस रूट थ्री से ये 3 कैंसिल होगा तो यहां पे क्या बचेगा, रूट थ्री। तो आपकी P इक्वल टू क्या आ जाती है, रूट थ्री VL IL cos थीटा, ठीक है। तो आपको लाइन वोल्टेज दी जाए, लाइन करंट दिया जाए, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज में लाना है। इसके समान ही यहां पर क्या हो जाएगा आपका, या Q इक्वल टू रूट थ्री VL IL साइन थीटा होगा, ठीक है। तो यहां से कभी कभार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे 10 HP की कोई मोटर है उसको इतना वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वो कितना करंट लेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहां से आपको लाइन करंट ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, यहां से फॉर्मूला आ जाता है I लाइन बराबर P बाय रूट थ्री और VL इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम इन पे दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये आपके फॉर्मूलास क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक सिंगल फेज मोटर है, कौन सी मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज कौन सी है, इंडक्शन। आपको सिंगल फेज सप्लाई दी गई है आपको 230 वोल्ट है, ठीक है, और मोटर की कैपेसिटी दी गई है आपको 10 HP, कितनी दी गई, 10 HP दी गई। तो हमेशा इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर के केस में यदि आप कोई गणनाएं करते हैं तो पावर फैक्टर हमेशा 0.8 लेना है, कितना लेना है, 0.8। अब देखिए 1 HP इक्वल टू क्या होता है, यहां पे क्या फाइंड करना है आपको, करंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 HP बराबर 746 वॉट, ठीक है। अब देखिए कितना HP है, 10 HP है, तो 10 HP इक्वल टू कितना हो गया, 7460 वॉट हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था सिंगल फेज के लिए, P बराबर V लाइन लिखो या I लाइन लिखो cos थीटा, क्या ज्ञात करना है, करंट ज्ञात करना है। तो यहां से IL बराबर आपका क्या आ गया, P बटे VL इंटू कोस थीटा, तो ये कितना है, 7460 डिवाइड बाई क्या दिया है आपको, 230 वोल्ट गुणा पावर फैक्टर कितना है, 0.8। तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 40 एम्पियर के करीब आपका क्या जाएगा, करंट आ जाएगा, यानी इतना करंट ये लेगी। इसी प्रकार यदि हम थ्री फेज का देखें एग्जांपल, तो
आपको जैसी थ्री फेज मोटर दी गई है, ठीक है, और इसकी रेटिंग दी है आपको 10 HP, पावर फैक्टर आपको दिया गया है 0.8, और इसके अलावा आपको 400 वोल्ट दिया गया है, 400 वोल्ट दिया गया। आपको ज्ञात करना है यहां पे करंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा है कि जो 400 वोल्ट है वो क्या है, आपकी लाइन वोल्टेज है, क्यों कि जब आप, मैंने कहा था कि दो फेजों के मध्य की वोल्टेज, दो फेजों के मध्य की वोल्टेज क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज। तो आपको पता है कि सिंगल फेज सप्लाई 230 है, 230 है, यदि इसे आप रूट 3 से गुणा कराओगे तो लगभग 398.2 के करीब आएगा, जो कितना है, 400 वोल्ट के करीब है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, लाइन वोल्टेज दी गई है। तो फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, रूट 3 वी एल आई एल कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से लाइन करंट ज्ञात करना है, तो आई एल बराबर क्या होगा, P बाय रूट 3 वी एल कोस थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए यहां पर कि 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, तो 10 HP बराबर कितना हो गया, 7460 वाट, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, तो 7460 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू VL का मान कितना है, 400 इंटू पावर फैक्टर कितना दिया है आपको, 0.8। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग इसका मान आएगा 13.5 एम्पियर करंट के करीब आएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ पावर। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिंगल फेज से संबंधित इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है मापन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में थ्री फेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।